हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल हेडलाइंस में। मैं इलियास। दोस्तों, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते वक्त हम सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखते हैं कि कहीं फोन की बैटरी जल्दी खत्म ना हो जाए। ये ख्याल खास तौर पर तब ज्यादा आता है जब आपके आसपास फोन चार्ज करने की जगह ना हो या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो। वैसे तो हम सभी के साथ कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी जब फोन की बैटरी खत्म होने वाली होती है और हमें फोन चार्ज करने के लिए कोई सॉकेट या जगह नहीं मिलती है। हालांकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पावर बैंक से किया जा सकता है। हम में से कई लोग पावर बैंक का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन कई लोग इसे महंगा समझ कर नहीं खरीदते। अगर आप भी इनमें से एक है तो बता दें कि कुछ पावर बैंक ऐसे भी है जो कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे सस्ती पावर बैंक के बारे में। सबसे पहली जो है वो एम्ब्रेन की PP11 जो 10,000 mAh की है। वैसे तो इस पावर बैंक की कीमत 2,499 रुपए, लेकिन इसे 1,800 रुपए के डिस्काउंट के साथ 699 रुपए में खरीदा जा सकता है। यह 10,000 mAh की ड्यूरेबल पॉलीमर बैटरी से लेस है। इसमें ड्यूल यूएसबी आउटपुट PP11 मौजूद है जो एक टाइम पर दो डिवाइस चार्ज कर सकता है। दूसरी है इसका की पावर वोल्ट 100 जो 10,000 mAh की है। ये 10,000 mAh की बैटरी के साथ आता है। इसकी रियल प्राइस 1,599 रुपए है। इसे 900 रुपए के डिस्काउंट के बाद 699 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसमें ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोटेक्शन भी दी गई है। तीसरी जो पावर बैंक है वो माइक्रोमैक्स की जो 10,400 mAh की है। ग्रे कलर में आने वाला ये पावर बैंक 2,099 रुपए में खरीदा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन सेल में इसे 1,600 रुपए की ऑफ के बाद 499 रुपए में खरीदा जा सकता है, जो काफी सस्ता है। इसमें हाई कैपेसिटी LG चैम सेल्स मौजूद है। चौथी जो पावर बैंक है वो लेप गार्ड की LG 514 जो 10,400 mAh की है। 2,300 रुपए के इस पावर बैंक को मात्र 499 रुपए में खरीदा जा सकता है। इस पर 1,801 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये पावर बैंक मेक इन इंडिया है। ये सेफ टू चार्ज है। इसमें ओवरचार्ज सपोर्ट, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। पांचवी है जिंक टेक्नोलॉजीज की Z10KI, ये 10,000 mAh की है। 999 रुपए में आने वाले इस पावर बैंक को 550 रुपए के डिस्काउंट के साथ 449 रुपए में खरीदा जा सकता है। इसमें 3 USB आउटपुट्स, LED चार्जिंग इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब आपके लिए आसान है ये तय करना कि आपके लिए कौन सी पावर बैंक बेस्ट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।